ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, ये अच्छा लगा मेरे को, दरवाजा अपना बंद हो गया। सांस नहीं आ रही छोटी भाई, ज्यादा नीचे हाथ जोड़ दे रहे हो दादा, सर बचा के नीचे करके सर लोपक चलो लोपक चलो धीरे बोला धीरे से आराम से निकलो दाएं से, भीड़ मत लगाओ, इसलिए कहते हैं आराम आराम से जाना, सब चलेगा एक साथ ही। दाएं से निकलो दाएं से। यहाँ पे प्रथा है कि शराब चढ़ाई जाती है या दारू कह लो। चीज और है कि यहाँ पे बाकी जगह जो नंदी होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे खड़े हुए नंदी होते हैं, तो ये एक अलग अलग चीज है यहाँ की। ओके जी, एक और वीडियो की होगी शुरुआत, नए दिन की हमने शुरुआत कर दी, एक्चुअली हो रही 9:30 देखो, और सबसे पहला काम तो यही है नहा धो के रेडी होने के बाद जाने ब्रेकफास्ट करने, और ये पास वाले पे जाएंगे यार, जो है ना हमारा जहाँ पे हमने कल रात को जैसे पैक करवाया था खाना उसी पे जा रहे हैं, इस पे जाएंगे, ये जो है ना एकदम पास ही है होटल के, इस पे जा रहे हैं, इस देखते हैं। अच्छा तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर यहाँ से सवारी देखेंगे हम जाने के लिए, यहाँ के 6 मंदिर जो है ना फेमस बच्चे पे वो वाले करने वाले हैं आज, तो थोड़ा आउटर ही है मतलब समझ लो उज्जैन से जो बाहर का एरिया है वहाँ पे जाएंगे, बाकी फिलहाल तो यहाँ करने वाले हैं। देखो ये वाला आइटम है सारे, ये आज अपने हो रहा है साथ, और यहाँ पे हम आ गए फिर से, चलो अंदर बैठते हैं, खाना पीना है फाफड़ा जलेबी वगैरह। ओके जी, ब्रेकफास्ट हमारा ये है फाइनली, हमने अभी ढोकला ही मंगाया भाई, जा रहा है थोड़ी देर में, वैसे 5 मिनट तो हो गए वैसे खाने में, और ये अपना आज का ब्रेकफास्ट है, सॉर्टेड है थोड़ा फास्ट, चलो फिनिश करते हैं फिर निकलते हैं, सवारी यहाँ से लेते हैं। रेडी हो ना आप एकदम फ्रेश एकदम, चलो क्या नाम है आपका? चेतन जी, 3 टाइम का खाना हमें इन्होंने हमें खिलाया चाय के साथ, चाय तो भरपूर पिलाई है, बहुत बढ़िया चाय थी, चाय तो एक नंबर थी भाई, खाना तो अल्टीमेट, और ये देखो सिटिंग स्पेस वगैरह यहाँ पे, तो चलो जी अब सवारी ढूंढते हैं, और हो गया ब्रेकफास्ट बढ़िया से, चाय की तारीफ मैंने पहले भी करी थी, किससे कर रहा हूँ, नहीं चाय सच में अच्छी थी ना, वाकई काबिल तारीफ थी, तो आना तो फिर यहाँ ट्राई कर लेना, चलो अभी जब जाते हैं देखो सवारी वगैरह के लिए वहाँ जाना पड़ेगा चौक पे। यार पुरानी है इसकी तो, यार तुम्हारे तो भाई तुम कह रहे थे नई है, तुम तो कह रहे थे नहीं है यार, अरे गाड़ी एक नंबर गाड़ी है यार, कोई दिक्कत तो नहीं, झटके तो नहीं लगेंगे, कोई झटका है, ठीक है मैं बैठूं आगे, शीशा तो सीटों पे जाकर कलर उसका अलग है मेरा अलग है, अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, ये अच्छा लगा मेरे को, दरवाजा अपना बंद हो गया। तो भैया के साथ हम जा रहे हैं, तो भैया के साथ अब हम जा रहे हैं, 6 मंदिर है जहाँ जहाँ जाएंगे आपको ही बताएंगे, और सब लोग सेट हो गए पीछे, नहीं बाबू दर्शन भी आ रहा, बुकिंग पे भी है, बुकिंग पे, अच्छा आ गया, चलो जी निकल रहे हैं फिर, थोड़ा सामने का व्यू ऐसा रहेगा ज़िगज़ैग वाला, पर साइड से दिखा देंगे आप, ठीक है कोई आएगा तो आपसे बात कर लेगा इस नंबर से, बाकी ये 6 जगह देखो जो राइट साइड पे लिखी है शहर के बाहर के नीचे, इन 6 जगह पे जाएंगे, और ये बाएं हाथ पे जो है शहर के अंदर की दिशा है, महाकालेश्वर मतलब शहर के अंदर के मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, विक्रमादित्य मंदिर, रामघाट, श्री राम मंदिर, तो विक्रमादित्य मंदिर आज हम जाने वाले हैं जो बाद में हम जाएंगे, और रामघाट की बोटिंग करेंगे, ये भी हमारा प्लान है, रामघाट ड्रॉप करवानी है, रामघाट आप जब आने में ड्रॉप करवानी आप, हाँ वहीं करते ना, सारे घूम फिर के ना ऊपर आ जाना, हाँ 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 चलो। तो भरतरी गुफा में पहुंच गए हैं, और जूता चप्पल हमने वहीं उतार दिए, पीछे गाड़ी पार्क करी थी ना मतलब उसी के अंदर उतार दी, ये इजी पड़ता है, यहाँ से देखो चारा वारा लेके ना आप पीछे गौशाला है वहाँ खिला सकते हो गाय को, चलो फिलहाल तो इस रास्ते से अंदर जाएंगे ऐसे ऐसे, वैसे हाईएस्ट स्टैंड भी बना हुआ जूते चप्पल का, वैसे गौशाला सामने हो रही, और ये जूते चप्पल के लिए बना हुआ है, अंदर चल रहे, ठंडा हो रहा है काफ़ी ये, हाँ पर हमें इधर से पहले जाना ना, इधर से करके ऐसे आगे रास्ते से ऐसे ऐसे करके आए हैं, बीच में चमगादड़ भी सर उड़ रहे हैं, ऐसे करके आए, और इस तरह से देखो 3-4 ये मंदिर हैं, ये दिख रहे हैं आपको चमगादड़, ये दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा इनसे बच के रहना भाई, गुफा में सांस नहीं आ रही,
छोटी है भाई ज्यादा। नीचे हाथ जोड़ दे रहे दादा, सर बचा के, सर बचा के, नीचे करके सर। चलो धीरे धीरे आराम से निकलो, दाएं से भीड़ मत लगाओ, इसलिए कहते हैं आराम आराम से जाना, सब चलेगा एक साथ ही। दाएं से निकलो, दाएं से। तो गुफा नंबर एक और दो हो चुकी है पीछे, काफी है संकरी गुफा थी। और सांस की थोड़ी दिक्कत हुई ना मोंटी, क्यों है ना, थोड़े से सांस वास लेने में दिक्कत हो रही थी, एक्चुअली मास्क भी पहन रखा था ना इसलिए। अरे कल जो यार, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, माहौल अच्छा है यहाँ का। चलो गुफा नंबर 3 और 4 भी है शायद यहाँ पे, या शायद 2 ही है, ऐसा कुछ देखते हैं आगे। तो जी ये थी गुफा बट कालेश्वर, तो अब यहाँ से वापस बाहर गौशाला की तरफ जाएंगे आप। तो जी 100 का 4, 50 का 2, और 30 का 1 है, तो ये 2 उठा लेते हैं, ले जाएं। ठीक है दादा, खिलाओ भैया खिलाओ। अपने हाथ से खिला दे रहा, अंदर डालो कमांड में। ओके जी, तो ये हो गया पीछे माशाल्लाह, मैं हमने खिला दिया चारा और टोकरी करें दादा। हाँ भैया, लो जी ठीक है जी, आओ आओ इसके बाद भैया महान सेवा है। चलो वहाँ चल रहे पार्किंग की तरफ और वापस जाएंगे अपनी सवारी लेके अगले गंतव्य पे। तो जी पहुंच गया संदीपनी आश्रम और शुरू करते ही एंट्री में, बाकी चलो आश्रम में देखते हैं क्या क्या है। अगर जूता स्टैंड है, चप्पल जूते वहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सीसीटीवी हर तरफ रखा हुआ है। अच्छा सा लग रहा है यार, प्यारा सा सुंदर सा सामने। चलो एज यूजुअल जूते चप्पल हमने अंदर ही उतार दिए टेम्पू में। देखो कुंडेश्वर महामंदिर, महादेव मंदिर सॉरी। तो ये किशन जी की पाठशाला जहाँ पढ़ने आया करते थे किशन जी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड, ओके ये देखो जी कुंड, नीचे जाने का शायद मना है, हाँ बंद कर रखा है सब तरफ से, कुंड है ये। तो ये देख रहे हैं आपने संदीपनी आश्रम, जहाँ की किशन जी और सुदामा जी ने अपने कुछ शिक्षाएं प्राप्त करी थी, आश्रम से मिलने वाली जो सारी विद्या होती है वो प्राप्त करी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं। संदीपन आश्रम का यही था महत्व, मतलब बेसिकली किशन जी की सारी जितनी भी बेसिक नॉलेज थी ना वो यहीं से हुई थी शुरू। और बाकी यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे बाकी जगह जो नंदी होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे खड़े हुए नंदी होते हैं, तो ये एक अलग अलग चीज़ है यहाँ की, बाकी इस तरह का माहौल था। तो जी 64 क्रियाएं और 14 कलाएं सीख वाले आश्रम संदीपना आश्रम से हम बाहर आ गए, किशन जी और सुदामा जी ने साथ में ही ज्ञान प्राप्त किया था पूरा, है पूजा स्थली हाँ विद्या स्थली से बाहर आ गए, दिखाया था हमने आपको। तो अब कहाँ जा रहे हैं? मंगलनाथ।
मंगलनाथ जा रहे हैं। अब मंगलनाथ टेम्पल जा रहे हैं जो विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में ना या देश में, दुनिया में, दुनिया में एक है सबसे बड़ा मंदिर बोलते हैं, सबसे सब दूर सता है। अच्छा विश्व में देखना, बड़ा बहुत बड़ा भारी मंदिर है। चलते हैं आपको दिखाते हैं। पानी वानी पी लिया, प्यास लगी कुछ ज्यादा, पानी वाले पीते रहना लिक्विड बीच बीच में। जो मंदिर है ना, मंदिर प्राचीन काल में आता है। मंदिर का जो उल्लेख है, अगर आपने स्कंद पुराण का नाम सुना है, मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में है। जिनको बात समझ में ना आए तो पूछ लेना और बहुत सुनना समझ में आएगा। आप लोग इस मंदिर का आए हो, यह मंदिर पूरे भारत और विश्व में कमा का मंदिर है। क्यों है? क्योंकि ये नव ग्रह में मंगल ग्रह का जन्मभूमि जन्म स्थान है। महाराष्ट्र जाते हैं अपन, सनी महाराज का जन्म स्थान है सनी सिंगापुर। इसी प्रकार से उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान। अवंतिका जो है उज्जैन नगरी का पुराना नाम है। यहाँ पे शिव रूप में पूजा होती है महामंगल की। और स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में किसी जमाने में अंधक नामक राक्षस हुआ करता था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, जहां भी मेरे रक्त की बूंद गिरेगी वहां से अनेकों राक्षस पैदा होंगे। भगवान शिव का और अंधक नामक राक्षस का युद्ध हुआ, शिव जी का मस्तक का पसीना इस जगह भूमि माता के गर्भ में गिरा और यहाँ से महामंगल का उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति यानी जन्म हुआ। इसलिए महामंगल को आप भूमि पुत्र भी कहते हैं और शिव पुत्र भी कहते हैं। जितने भी आप भारत में शिव मंदिर दर्शन करने गए, महाकाल महाराज की कृपा तो बहुत जगह गए होंगे। शिव जी का वाहन क्या देखा आपने हमेशा शिव जी के सामने? नंदी, नंदी को प्रणाम करते हो। मगर यह नंदी की जगह भेड़ का सवारी देखने को मिलेगा आपको। भेड़ यानी मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है। और शनि को आप काली वस्तु चढ़ाते हो, मंगल को यहाँ लाल चढ़ती है। लाल वस्तु में गेहूं मसूर की दाल, लाल कपड़ा, नरियल पुष्प, पंचम प्रकार का प्रसाद, आपका नाम और जो भी गोत्र बोल के खाएगा। नाम बोलोगे स्वयं का लगेगा और गोत्र बोलोगे परिवार का लगेगा, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गोत्र बहुत महत्व रखता है, पीढ़ी बाय पीढ़ी चलता है। इसमें कुछ चीजें आप लाना चाहो तो ला सकते हो, नहीं तो पूरा प्रसाद वो चढ़ा के भी आ सकते हो। एक मंगल की माला परिवार के अंदर किसी को शादी विवाह में रुकावट आती हो, जैसे बार बार रिश्ता बन जाना, टूट जाना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ा स्वभाव का होना या नौकरी पढ़ाई में दिक्कत आना, उसके लिए लाभदायक है। ये माला लेडीज जेंट्स बच्चा बच्ची कोई भी उपयोग कर सकता है। महामंगल का फोटो आपको मंगलनाथ मंदिर के अलावा पूरे भारत में नहीं मिलेगा। और लकड़ी की माला परिवार में कोई बीमार हो, जिसे ब्लड प्रेशर वगैरह, उसके लिए लाभदायक है। हाँ, क्योंकि अपने शरीर में ब्लड का संचार भगवान मंगल के द्वारा होता है। आप मंदिर पे आए, मंदिर की विशेषता ये है, जो मंदिर बना कर्क रेखा पे बना, जैसे नाभि होती है इंसान की, इसी प्रकार से उज्जैन में आप आए, आपका प्रसाद तीन जगह चढ़ेगा, तीन जगह खाली हाथ विशेष करके नहीं जाते, महाकाल, काल भैरव और मंगलनाथ। क्योंकि चावल का बोरा भी खत्म हो जाएगा, कि चावल चढ़ाओगे चावल खत्म हो जाएंगे, मंदिर खत्म नहीं होगा, मगर तीन जगह प्रसाद चढ़ेगा। ये एक गोत्र का प्रसाद है 150 का आएगा, 150 रुपए का, जो नाम बोलना गोत्र बोलना चढ़ा देना हो, जो आप आए आपके परिवार के नहीं आए उनका भी लगेगा इसे, और पैसे आगे देना दर्शन करने के बाद। तो जी पीछे मंगलनाथ का मंदिर है, आप जा रहे हैं, हमने प्रसाद वगैरह तो ले लिया, वो भी चढ़ा देंगे अंदर, और कुछ भी छोड़ते नहीं है, लेकर आता आने नहीं होता, सब कुछ अंदर चढ़ाना होता है जैसा भैया ने बताया दुकान वाले। ठीक है, 150 रुपये का मात्र प्रसाद है और अंदर जाना है, हम दर्शन कर लेंगे। मंगल ग्रह मंदिर का मैंने बताया विष्णु में एक ही है, तो मान्यता जी मेरे हिसाब से शनि सिग्नापुरम गए थे जब शिरडी गए थे, तो वहाँ शनि, तो कुछ उस तरह की मान्यता है, वहाँ पे शनि महाराज की पूजा की जाती है, किसी का शनि दोष हो यहाँ पे किसी का मंगल दोष हो तो उसके लिए होती है, बहुत मान्यता है। तो उज्जैन में लोग आते तो यहाँ से आ ही जाते हैं, पास ही है महाकालेश्वर से, यहाँ पे पहुँचते हैं अक्सर लोग। फिलहाल हमने भी दर्शन कर लिए हैं भक्तों की, बहुत बढ़िया, अब यहाँ से फिलहाल निकलने का विचार है और अगले दूसरे किसी गंतव्य पर पहुँचेंगे। तो जी प्रसाद काउंटर से 150 रुपये का प्रसाद हमने ले लिया, और प्रसाद भी ले लिया, पता नहीं अंदर क्या है, शुद्ध देसी घी में ज्योति महा को आरती भोग है क्या अंकल अंदर प्रसाद में? अच्छा फ्रिज में रखना, एक महीने तक कुछ नहीं बिगड़ा, फ्रिज में रखा तो खराब हो जाएगा। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज है ही नहीं, फ्रिज में नहीं रखना इसको, जैसा वो बता रहे हैं। और काजू बादाम के लड्डू वड्डू बाकी ठीक है, कितनी दूर है यहाँ से? पास ही है,
चलो सिद्धगढ़ चलते हैं, वहाँ मिलते हैं। अब तापमान जो है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, प्यास भी लगती जा रही है बार बार, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो जी आगे सिद्धवट मंदिर द्वार और अब चलेंगे दर्शन करने के, वहाँ पे दर्श की तरफ जाएंगे चल के। थोड़ा सा गर्म हो गया, पैर जल रहे हैं एक्चुअली थोड़ा सा, और वहाँ से करनी है हमें एंट्री। इस तरह का रास्ता जाने का, थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा धूप में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको छाया मिल जाएगी। तो जी प्रसाद ले लिया, पीछे पार्किंग लगा दी, काल भैरव मंदिर आ गए फाइनली। और यहाँ पे प्रथा है कि शराब चढ़ाई जाती है ना, यही प्रथा है ना, शराब चढ़ाई जाती है या दारू कह लो, वाटर वगैरह चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। और बाकी वहीं मिलेगा, एक ही जगह शॉप है अंदर, वहीं पे मिलती है सारी, वही 100 का प्रसाद है ये वाला। अभी तो जाना है अंदर। तो ये काल भैरव मंदिर और सामने दुकान है आपकी, वहाँ से आपको क्वार्टर मिल जाएगा। एक ही जगह डालना मगर, एक जगह डालना, प्रसाद पूछ रहा ना। गर्मी का आवाज़ हो रहा था ना, गर्मी का आभास हो रहा था, आवाज़ कह रहा हूँ, गर्मी का आभास हो रहा था, इससे पी रहे हम नींबू पानी। बाकी प्रसाद यहाँ पे चलती रहती है, सात और एक में ढक्कन डाल दी। चलो नींबू सोडा ले, लींबू सोडा कहते हैं, लींबू सोडा पी रहे हैं। कितने का है लींबू सोडा? 20 रुपए का। चलो थोड़ी सी प्यास बुझाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं अभी आगे एक जगह। होती होगी पूरी यार, तभी लिख रहे हैं लोग। तो जी गढ़कालिका देवी मंदिर के दर्शन हो गए हैं, 12 शक्तिपीठों में से ये छठे स्थान पे आती हैं। और कालिदास जी इनके उपासक रहे हैं इस मंदिर में, कालिदास जी के जन्म उत्सव के दिन भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। और आवाज़ भी ज़्यादा आ रही है, चले फिर ये लास्ट है, हो गया ख़त्म। तो ख़त्म हो गया, यहाँ से निकल गया, अपना छोड़ोगे हमें रामघाट पे, रामघाट छोड़ोगे ना, रामघाट पे भैया छोड़ेंगे हमें, और उनसे देखते हैं बोटिंग वोटिंग करते हैं वहाँ पर। तो जी रामगढ़ उतर गए, पीछे भैया हमारे को छोड़ के जा रहे हैं। तो 5 घंटे का हमारा 6 मंदिरों का सफ़र और दर्शन सब अच्छे से हो गए हैं, बढ़िया से एकदम। अब फिलहाल तो टाइम हो गया, ये देखो 10:30 बजे निकले थे और ये टाइम हो गया, और अब आ गए रामगढ़ पे। देखते हैं, गर्मी तो है वैसे तो, बोटिंग वोटिंग करते नहीं करते, पता कर लेते हैं एक बार बोटिंग का क्या हिसाब किताब है। ये लाइव जैकेट जीवंत रखने के लिए पहनी है हमने, और ये भैया का काउंटर है वहाँ पे सामने, फिलहाल तो अभी रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। ये वाली बोट्स हैं
20 रुपए पर सवारी के हिसाब से हो गया। सवारी के हिसाब से ले तो बोट के हिसाब से, बोट के हिसाब से, बोट के हिसाब से 80 रुपए की पर बोट पड़ती है ये पैडल वाली। और ये वाले क्या रेट है सवारी का दादा? 20 रुपए इसकी, 20 रुपए इसकी सवारी है। 2-4 मिनट में ले आते हैं वापस, पर ये पूरी फुल होने के बाद ही जाते हैं। तो हमने ये वाली ली है, इसमें जाएंगे 80 रुपए पर बोट। छोड़ दो ना। तो जी मेहनत करना चालू कर दिया हमने, ये स्टीयरिंग फ्री कर रखा है इसने बिल्कुल ही। चल कोई नहीं पूरा घुमा दी। तो जी समय समाप्त होता है अपना 4:15 बजे, और ये वाली बोट हमने पीछे ली थी, कर ली। हाँ थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसने सिक्योरिटी मनी तो 20-20 रुपए पर बोट के हिसाब से रखी थी, वो रख ली। कहता नहीं भैया आप 8 मिनट लेट हो गए। अच्छा जी ठीक है भैया 8 मिनट लेट हो, कोई बात नहीं। अब आपका जाना दीपक, एक बार महाकाल के मंदिर देख लेते हैं, वहाँ विक्रमादित्य का मंदिर है, अगर वो भी एक्सेस होगा तो हम भी चले जाएंगे वहाँ पे। बाकी अब 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन है बस यहाँ से दिल्ली के लिए। तो जी इस गली से चलते हुए हम पहुँच गए हैं, यही है ना राजा विक्रमादित्य टेंपल, और देखो बाहर से दर्शन हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। चलो दर्शन कर लेते हैं। तो सिंहासन 32 इसलिए बोलते हैं कि सिंहासन के साथ में थी 32 देवियाँ, जिनको पुतलिया कहा जाता है, और सिंहासन देवियों के आदि है, इसलिए इसको सिंहासन। ये जो बना हुआ आपके सामने, ये ओरिजिनल सिंहासन का एक काल्पनिक रूप से बनाया गया है, ये 100 वर्ष से अधिक पुराना प्राचीन मंदिर है। और ऐसा जो असली वाला सिंहासन था जो भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को दिया था, क्योंकि ये राजा ही ऐसे योग्य राजा थे जो सिंहासन पे बैठ सकते थे, यही इसके बैठ पाए। लेकिन ये भी तब बैठ पाए जब 25 देवियों के पुतलियों के इन सवालों के सभी की सही जवाब। वापसी जैसे आने के रास्ते में हरसिद्धि माता का टेम्पल, दिन का नज़ारा ये देखिए, रात की आरती की तैयारी कर रहे हैं, इसमें तेल डाले जा रहे हैं। देखो जी मंदिर हो रहा सामने, और इस वीडियो में मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देते हैं महाकालेश्वर मंदिर का बाहर का नज़ारा, क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है कल की तरह, और आज सोमवार वैसे ही है। ये देखिए गणपति गप्पा मंगल मूर्ति मूर्ति, तो ये था पीछे नज़ारा मंदिर का, ये सामने का। चलो चलते होटल की तरफ, क्योंकि सामान वामान वहाँ से उठाना, फटाफट पहुँचना है रेलवे स्टेशन की तरफ। ओके भाई पहला ऑटो और दूसरा ऑटो, 7 जनों के लिए 2 ऑटो तो चाहिए ना भाई। तो चलो, ओहो लैंग्वेज मेरी वही वाली हो गई वापस से, जैसे महाराष्ट्र से आते वक्त हो गई थी ना। ये सामान भी रखना है, एक मिनट भाई मेरा सामान तो किया ही नहीं अभी, दंगा ही हुआ। एक मिनट भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सद्दाम। सद्दाम जी, ओके सद्दाम भाई मेरा सामान डालने दो बस, वो अंकल मेरे को पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, या आप यहाँ से ऐसे पकड़ के रखो बस। हाँ चले चलो भाई। हाँ तो भाई मैं कह रहा था कि भाषा वही वाली हो गई हमारी दोबारा से, जब मैं महाराष्ट्र आया था तब भी ऐसी हो गई थी, आज MP आए वापस से अपन अपन हो गई है। चलो ऑटो तो कर लिया यार, यहाँ से जाते स्टेशन। और समय कितना हो गया, क्या टाइम हो रहा है? 6:15 के आसपास हो गए। चलो 6:30 की ट्रेन है वैसे, 10 मिनट पहुँच जाएंगे यहाँ से, है ना भाई? हाँ बस 10 मिनट।
भाई 12415 लगी हुई है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे और 18:35 पे आएगी। तो पहुंच गया उज्जैन रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन मेरे ख्याल से भी आई नहीं है, अभी तो टाइम है, एक नंबर पे आएगी। मतलब कहने का मतलब है कि एक नंबर पे आएगी। टाइम तो हो रहा है मेरे ख्याल से 12:21 आने वाली ट्रेन का वो लगा दिया S11 12415 का लगा दिया है और हमारी S6 तो हमारी उधर पीछे आएगी, S7 उधर आएगा। तो अब हम गेट से एंटर करके थोड़ा सा लेफ्ट जाके थोड़ा सा चलना पड़ रहा है, S6 पे हमें बोर्ड होना है। और चलो ट्रेन आने वाली है, अनाउंसमेंट हो चुकी है और ट्रेन आ जाएगी उसके बाद बोर्ड हो जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चार 45 पे निकाली है, 3 मिनट बाद अरे ठीक भी है, 5 मिनट पूरा स्टॉप लिया, 1 मिनट डिले हुआ है बस आने में और ट्रेन चल चुकी है देखो, और हमें सीट मिल गई है, ये इधर है और एक उधर है आगे जाके। चलो सफ़र शुरू करते हैं, बैटरी भी थोड़ी सी डाउन हो गई है, नहीं वैसे तो बैटरी ठीक है सबकी, सब ठीक है। अंकल एनर्जेटिक रहते हैं भाई। चलो बाकी भाई दीपक की वजह से संभव हो पाया, अचानक से जो प्लान था उज्जैन वाला, दीपक को थैंक्स कि दीपक की वजह से हमारे भी दर्शन हो गए बढ़िया एकदम। तो जी नगड़ा जंक्शन पे रुके हुए थे, वहाँ सामने से हमने ना सारा सामान ले लिया, देखो ये जो शॉप है ना यहाँ से, ये चाय वाय है फिलहाल तो, और बाकी का सामान आगे जा रहा है, चार चाय यहाँ पे हमारे हाथ में और बाकी का खाना हमने यहाँ ले लिया, ठीक है इतना तो ले लिया, बाकी रास्ते में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था हमें, फिलहाल नागड़ा जंक्शन ये है, 15 मिनट यहाँ पे रुकी है तो इसलिए अपने पास ऑप्शन था सारा। ओके जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये वाली साइड पे हम फिलहाल, तो देखो ये वो एयरपोर्ट वाली लाइन है, ये वो जा रही है मेट्रो का एंट्री एग्जिट है। बाकी दिल्ली में पहुंच गया, ठंड लग रही है हल्की हल्की थोड़ी सी ना, बट हमने क्या किया 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरा ना, 16 नंबर आते आते मतलब एग्जिट करते करते थोड़ा सा चल लिए, थोड़ी बॉडी जो है ना वार्म अप हो गई है, तो बाकी नींद तो थोड़ी थोड़ी पूरी हो गई है अभी काफ़ी। ओके तो वीडियो पसंद आएगा तो ऐसे आप लाइक करके जाइएगा और कमेंट में अपने थॉट्स बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उधर जाना उस पर, उस पार जाना है, इधर से तो नहीं निकल पाओगे, आपको आगे से जाना पड़ेगा, किधर से आगे से? आगे ही रास्ता है क्योंकि इधर सारा बंद है ना, देखो ना जाऊँ किधर से, बताओ इधर से ही जा पाओगे, यही एक रास्ता है इधर से, वो तो मेट्रो के लिए, यहाँ से जाओगे ना, यहाँ से जाओ। ओहो भैया बीच में आ गए, तो जानकारी ले रहे थे उनको जानकारी दे दी, बाकी सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो मिलते हैं यार किसी और वीडियो में, सिर्फ साह और उमंग के साथ, आप सभी को हम सबकी तरफ से नमस्कार और जय महाकाल।